अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? शायद आप लोग सब मुझे देख रहे होंगे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा। हम आज निकले हैं एक ज़बरदस्त सी ट्रिप के लिए। हमारी लास्ट जो एक फ़ाइनल डेस्टिनी है वो है काली पहाड़ी। तो वहाँ जाने से पहले पहले हम बहुत सारी जगहों पे स्टे करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे से हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टे, अभी जहाँ हमने अपनी गाड़ी रोकी भी है, वो है घारो शहर। कराची से काफ़ी दूर है, तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी रोकी है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एक ज़बरदस्त से गांव, वहाँ पे लगी हुई है मिर्चें। तो वहाँ हमारा एक प्लान है कि हम वहीं मिर्चें जो है वो खेतों से तोड़ कर और फिर बनाएंगे। सारा सामान हमने अपनी गाड़ी में रखा है, बस वहाँ जाके पकौड़े शकौड़े फ्राई करेंगे और फिर खाएंगे और मज़ा करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है हमारी फाइनल, फाइनल तो नहीं कहेंगे लेकिन ये सेकंड लास्ट हमारी जगह है जी। तो हम उतरे हैं यहाँ एक गोट के अंदर और यहाँ पे हम करेंगे फ्राई मिर्चों को खुद। यहाँ से ये लगी हुई हैं, मैं भी जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगी, भी उसे तोड़ेंगे। और ये देखेंगे हमारी फैमिली वन बाय वन आ रही है। लोग तोड़ रहे हैं हरी और लाल मिर्चें अपने पकौड़ों के लिए। देख लें आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ नया दिखाने के लिए। और ये मेरे पीछे पूरा जो है वो मछली सॉरी मिर्चों का जो है वो खेत है। और यहाँ से हम आपको ये देखें, ये देखिए सुबहान अल्लाह, आप सोचेंगे ये वाली भी जो पकौड़े बनेंगे वो कितने मज़े के बनेंगे। बस अभी सोचिए ना, इधर दिखाओ, देखिए सारे। तो भाई यहाँ हमने जो है बहुत सारी मिर्ची जमा कर ली है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी लगी हुई है। बेसन एक तरफ मैरिनेट हो रहा है, सेकंड यहाँ हम मिर्चे तोड़ रहे हैं। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि बेसन वाले जो लोग जो यहाँ पे बेसन बना रहे हैं वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे हमें मिला है धनिया, तो हम ये धनिया भी तोड़ते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आई थिंक ये इतना धनिया काफ़ी होगा हमारे पकौड़ों के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है सोया। आपने सुना होगा सोया बीन होते हैं और इसका ऑयल भी बनता है। ये है थोड़ा है इसकी इसकी चटनी जो आपको दिख रहा है ये है कद्दू। ये देखें ये है कद्दू। अभी ये बहुत छोटे से हैं, इसे हम लौकी भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं लेकिन अभी ये बहुत छोटे से हैं, तो हमें इतने ज़रा इतना जुल्म नहीं करते, इसे बड़ा होने देते हैं। इसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आएंगे इसे तोड़ने इंशाल्लाह। तो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं वो हैं टमाटर, तो इन्हें भी हम तोड़ लेते हैं टमाटर की चटनी के लिए। और ये भी बस कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हम यहाँ हैं। और हम थोड़े से यहाँ से तोड़ेंगे, इतने भी जितने हमें काम है। छोटे होते हैं अक्सर चाइनीज में बहुत डलते हैं ये, और सैलेड जब बनता है तो वो भी इसका बनता है। जबरदस्त किस्म की चाय होना चाहिए, इससे पहले ऐसी कभी चाय नहीं बनी होगी। तो आज ये चैलेंज कर रहे हैं खवातीन को कि इससे पहले इतनी मज़ेदार चाय बनी नहीं होगी। और यहाँ पर जो खेत से हम रोटी लाए थे बच्चे उसे साफ कर रहे हैं क्योंकि इस पर स्प्रे हुए हुए होते हैं।
और ये हम डाल रहे हैं पकौड़ों का मसाला, ये डल गया इसमें और मसाला, और हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च थोड़ी सी काटकर, साथ में इसमें ऐड कर देंगे इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। ये बना बनाया रेडीमेड मसाला होता है मिर्ची का, तो हम इसके अंदर जो है वो मिर्चें भर रहे हैं। यहाँ मिर्चों में सारा मसाला डल चुका है, सारा मसाला मिर्चों में डाल दिया है। और सेकंड है हमारे यहाँ पे जो है बेसन जो हमने लिया था वो मैरिनेट कर दिया, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल, टमाटर का जो है हमने एक बारबेक्यू स्टिक बनाया है, हम सेकेंगे इसका जो पेस्ट निकलेगा मुझसे जो है वो चटनी बनाकर पकौड़े बनाए थे, फिश के पकौड़े नहीं मिर्चों के पकौड़े बनाए थे। तो मिर्चों के पकौड़े बनाने के बाद हम बनाए हैं थोड़े से फ्राइज बनाए हैं, वो भी जो बचा हुआ हमारा बेसन का बैटर था उसके अंदर हमने डिप करके ये वाले जो है वो पकौड़े बनाए थे, यानी कि फ्राइज की शेप में हमने कटिंग करे थे। और इस वक्त जो इसमें इस कढ़ाई में जो बन रहे हैं वो है सिंपल फ्राइज, जिसे हम चाट मसाला लगा कर खाएँगे। यहाँ से अब हम जा रहे हैं एक दूसरी जगह जिसका नाम है क्या नाम है भाई, चिलिया। तो अब हम जा रहे हैं चिलिया की तरफ, यहाँ तक का जितना भी चक्कर था वो तय हो गया। इसके खेत में हमने रुका जो है वो मिर्चें तोड़ी और यहीं से हमने मिर्चें फ्राई करी, मिर्चों के साथ साथ हमने पकौड़े बनाए, फ्रेंच फ्राइज बनाए, जो कि हमने इन्हीं खेतों में से तोड़ा था और बनाया। अब मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट जगह पर जो है चिलिया, वहाँ रेस्ट हाउस बुक कराया है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। तो फाइनली हम लोग जो है वो एक जगह जिसका नाम है चिलिया, उस जगह पर हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत सारी ड्राइविंग के बाद। यहाँ रुककर हम लंच करेंगे और लंच के बाद हम जाएंगे एक और एक ज़बरदस्त जगह। तो इस चिलिया के रेस्ट हाउस पे हम लोग रुके थे और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से।
चिलिया रेस्ट हाउस के ऊपर यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नीचे जो है वो कड़ी झील का जो पानी है वो जा रहा है, गुजर रहा है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हमें मज़ा आ रहा है। क्रिकेट हम खेल रहे हैं, क्रिकेट के साथ साथ जो हमने यहाँ पे खेलना है नेक्स्ट हमारा जो गेम है वो है पिट्टू। खेला होगा कभी आप लोगों ने बचपन में कि वो मार्बल्स के पीसेस को हम लोग एक पहाड़ बनाते हैं छोटा सा, उस पर निशाने लगा के उसे तोड़ना होता है, तो वो होता है पिट्टू। तो हम यहाँ पे अभी वो खेलेंगे। सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप सबसे भी मैं कहूँगी भाई हमारा कराची पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, घूमें एक्सप्लोर करें नई नई जगहों को और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये सारे लम्हे हमेशा याद रहेंगे। तो रेस्ट हाउस से निकलकर हम जा रहे हैं चिड़िया की तरफ। ये जो बार बार आप मुझसे नाम सुन रहे हैं चिड़िया चिड़िया, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी जगह है। अपने घर से लेकर सबसे पहला जो स्टे किया वो घारू शहर में किया और घारू शहर में रुकने के बाद फिर हम वहाँ से निकले। हम एक जगह थी रास्ते में भंबोर आया, वहाँ हम रुके और उसके बाद एक और एक जगह थी जिसे जो है वो हाली झील कहा जाता है, हम वहाँ गए। वहाँ हमने खेतों में से बहुत सारी जो है वो सब्ज़ियाँ तोड़ी, उसके बाद पकौड़े वगैरह बनाए और अब यहाँ चिड़िया के रेस्ट हाउस पर हम लोग आके रुके। खूब इन्जॉय किया हमने, क्रिकेट खेली, पिट्टू खेला और पता नहीं बहुत सारे गेम्स खेले। फिर हम लोग यहाँ से चिड़िया का जो कड़ी झील का जो पानी यहाँ पे आता है वहाँ गए, वहाँ पे हमने बहुत खूब सारा इन्जॉय किया और उसके बाद हमने यहाँ पे वापस आके लंच किया और अब लंच के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर वापस की तरफ। घर पे जाएंगे, मज़ा आएगा, ऐसे की वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी भी यहाँ पर सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं तो आप बहुत सारे इन्जॉय कीजिए। प्लीज़ हमारी सारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, ताकि हम आपके लिए लेकर आए बहुत अच्छे ज़बरदस्त और ब्लॉग। इंशाल्लाह मेरी तरफ से सब लोगों को अस्सलामुअलैकुम एक बार फिर से और अल्लाह हाफ़िज़।